कि जल्द से जल्द अगर पप्पू जी की रिहाई नहीं हुई और ये ड्रामा चलता रहा तो बहुत जल्द आपको भी मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा, आपके मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा और चौराहे में खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। ये दिल्ली में बैठ के जूम से काम नहीं चलेगा। अगर आज आप फर्जी केस में पप्पू जी को जेल में डाल के ये जो प्रशासन और डॉक्टर का खेला खेल रहे हैं, 3 दिन से उनको पटना से मधेपुरा, मधेपुरा से वीरपुर, और अभी प्रशासन और डॉक्टर के सूत्रों से हम बता रहे हैं कि उनको दरभंगा आप भेज रहे हैं और उसमें डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमने लिखा है कि हायर मेडिसिन, हायर डॉक्टर फैसिलिटी की रिक्वायर। अब प्रशासन जाने की उनको कहाँ भेजना है, प्रशासन कह रहा है कि डॉक्टर जाने की उनको कहाँ भेजना है। अरे आपका तो एक भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। आप पप्पू जी का सीवियर इन्फेक्शन है, सुन लीजिए, शुगर के पेशेंट हैं और 1.25 महीने पहले उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, उनके लीवर में 30% प्रॉब्लम है और अभी मैं आते वक्त भी जो डॉक्टर ने ऑपरेट किया उनसे बात करके आई हूँ कि हैवी रिस्क है कि उनको दोबारा इस हालात में इन्फेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत नया ऑपरेशन है, उसके साथ ही उनको सीवियर इन्फेक्शन थे जिसकी सारी रिपोर्ट आपको दी गई है। मैं फिर आपको आगाह करूंगी कि यह खेला बंद कर दीजिए, यह राजनीति राजनीति बंद कर दीजिए, उनको रिहा कीजिए और आपके जेल के अंदर वो पॉजिटिव होके आएंगे तो ना मैं माफ करूंगी ना आपको जनता माफ करेगी, और सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। अगर चंद दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर पप्पू जी रिहा नहीं होते हैं और आप ये डॉक्टर और प्रशासन का खेल खेलते हुए उनको हर दिन गाड़ी में चार चार लोगों के साथ बैठा बैठा के जो घुमाने का आप काम कर रहे हैं, तो आप भाजपाई लोग भी सुन ले, मुख्यमंत्री साहब भी सुन ले। रूड़ी साहब, आपकी जो एम्बुलेंस घर में थी वो सरकारी खजाना था और एक तरफ लोग 12,000 रुपए पर किलोमीटर एम्बुलेंस के लिए दे रहे थे और तब भी नहीं मिल रही थी। मैं अनशन में बैठूंगी जब तक आपको जेल के अंदर नहीं कर दिया जाएगा। ये खेला खेलना बंद कर दीजिए, सही मायने में कानूनी तरीके से जब इनको मधेपुरा भेजा गया तो मजिस्ट्रेट को ही खड़े खड़े इनको बेल दे देनी चाहिए थी, लेकिन ये रणनीति है और मैं नहीं चाहते हुए मैं कहूंगी कि दबाव में है। वहां पे कुछ हो रहा था लेकिन रात के 8 बजे नहीं हुआ, ये लोग खरीद रहे हैं और इनको जबरदस्ती इस मंशा से तंग किया जा रहा है कि पप्पू जी तंग हो, 4-5 दिन रहे, उनको भी महामारी से डर लगे, उनको भी जेल से डर लगे, जब वो डर जाएंगे तब हम देखेंगे। ये एक षड्यंत्र चल रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज हम लोगों ने मेंशन किया है डॉक्टर मेडिकल को लेके ही कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इनको जमानत मिलनी चाहिए। आपने 4 लोगों को सड़क पे खड़ा करने की बात कही थी, नाम मेंशन नहीं किया आपने। देखिए जब खड़े होंगे तो आप खुद देख लेंगे कौन कौन मंत्रालय इस पैंडेमिक में फेलियर है और किन 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 की नींद हराम हो रही है और किसका किसका माफियाओं से और इस ड्रग्स माफियाओं से बिजनेस चल रहा है वो पूरा बिहार जान रहा है। बिहार में है बिहार में बंद करा दिया गया है, बहुत जगह लोग जो है खा नहीं पा रहे हैं, जो खाना मिलता है उसको। देखिए ये मैं कहूंगी कि महामारी में बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति हो रही है। हम लोगों का खाना अभी भी बन रहा है लेकिन वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, पास नहीं दे रहे हैं, हम लोग फिर पास के लिए लगे हैं। मैडम आप कब तक बिहार में हैं? नहीं देंगे हम लोग। मैडम बिहार में मैडम पप्पू यादव उजागर कर रहे थे काफी खुला, तो आप इनको कंटिन्यू रखेंगी जो वो कर रहे थे? देखिए और कहीं प्रशासन भी आप पर ये कार्रवाई कर सकती है? मैं बिहार हूँ, मैं दिल्ली हूँ, मैं कहाँ हूँ, लेकिन आपके अस्पतालों का निरीक्षण लगातार चलेगा और आपके अस्पतालों की पोल अगर आपने सही नहीं की तो वो आप लोग फोटो देखेंगे, उसके वीडियो चलेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी जो हम लोग से मांगेंगे उनको ऑक्सीजन मिलेंगे, जहाँ से रेमडेसिविर ब्लैकमेलिंग होगा वहाँ भी उनका पोल खुलेगा और जिनको जरूरत पड़ेगी दवाइयों की
वो भी हम लोग देंगे। जितनी मदद कंटिन्यू हो रही थी वो लगातार मदद होती रहेगी। इस पैंडेमिक में आप किसी को मदद करने से नहीं रोक सकते, ये वैसे सत्ताधारी है। आज पप्पू जी को यहाँ जेल में बंद किया है, वहाँ हमारे कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष को तो श्रीनिवासन के घर में जांच हो रही है कि खाना कहाँ से खिला रहे हैं भैया, आप कहाँ से दवाई दे रहे हैं। तो ये गुंडाई राज चल रहा है, मैं फिर कहूंगी पूरे देश में, जिसके खिलाफ हम और आप सबको खड़े होना। स्वदेश वाणी।